अजीब पाकिस्तानियों की वैसे भी मेंटालिटी है। चलो ठीक है, मान लिया कि आबिद अली फेमस हो गया, आबिद अली फेमस हुआ सना अमजद के चैनल से, सना अमजद के चैनल से भाई तुम फेमस हुए थे, तो फिर सना अमजद क्या बुरी थी तुम्हें आगे और ज्यादा फेमस करवाने के लिए? तुम्हें मिला रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाला? दो तीन दफा मैं इनके पास आया, इन्होंने मना किया है, लेकिन आज हमने इंसिस्ट किया कि भाई आपके आपसे बड़ा फैन कोई आ गया तो आप आएं क्लियर करें। इसी वजह से मैंने इंटरव्यू दिया है। मैंने आपको पिछले तीन दिन से जो आप रोजाना आ रहे हो और रोजाना वापस जा रहे हो, वो क्यों जा रहे हो आप वापस? मैं आपको बताता हूं, तुम्हें वो फेमस करवा रहा है, वो तुम्हें डेली बेसिस पे रोजाना दो दिन बाद बुलाता है, तुम्हारे पास आता है और कहता है भाई मोदी की तारीफें करो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम करे, नो डाउट, हम सब भी कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में मैं कह देती हूं, सब कह दे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम करे, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन भाई तुम मुझे बताओ, क्या सिर्फ रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाला ही तुम्हें मिला था मोदी की तारीफें करने के लिए? जैन दोस्तों, जैसे हम तो भाई बीते दिनों एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी, जिसके तहत जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, जो सोहेब भाई है और उनके साथ आबिद अली आते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि भाई ये पैसे लेकर वीडियो बनाते हैं, जो कि पाकिस्तानी और निमरा अहमद है, अनाम शेख जी हैं और परफेक्ट रिएक्शन है, तो बड़ा ही अच्छा दोनों अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कुछ गलत फहमी भी हो सकती है। उसका रिप्लाई आबिद अली भाई साहब ने दिया है। आप लोग क्या रहे, कम से कम रखे, वीडियो शुरू करते हैं। सनाम जद ने की, फिर तुमने अली के चैनल पे दिया कैटलिस्ट रैकेट, ठीक है, तुमने वहां पे भी अपना इंटरव्यू दिया, तुमने वहां पे भी नहीं, तुमने आगे अपने आप को फेमस करवाया, तुम्हें पाकिस्तान का कोई और चैनल नहीं मिला, तुम्हें पाकिस्तान के पाकिस्तानी चैनल नहीं मिले, ऑफिशियल चैनल्स है पाकिस्तान के, वहां पे जाके फेमस हो जाओ, तुम्हें सिर्फ रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाला मिला, क्या वजूहत है? यही वजह साफ नजर आती है, रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाला उसको कुछ देता होगा फीडबैक में, तभी तो वो उसके लिए बोल रहे हैं। जब भी उसके व्यूज कम होने शुरू हो जाए या उसके बाद कोई कंटेंट ना हो, कोई टॉपिक ना हो, तो उसके पास चला जाता है भाई आज स्पेशली मैंने नोट किया है कि जो वो टॉपिक्स आबिद अली से करवाए जाते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मोदी की अचीवमेंट की कोई खास वजूहत आती है, खास वजूहत मतलब कि इंडिया की बात नहीं आती, इंडियन चीजें की बात नहीं, लाइक इसरो की बात नहीं आती, लाइक किसी भी चीज की कोई अचीवमेंट की बात नहीं आती, मोदी की स्पेशल बात आए तो आबिद अली याद आ जाता है। भाई मुझे ये बताओ, आबिद अली के ही अल्फाज थे, मैं मेंशन नहीं करूंगी किसके साथ है क्या थे, लेकिन आबिद अली के अल्फाज ने, अगर ये आबिद अली सुन रहा है, रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाला सुन रहा है, तो भाई मेरे ऊपर वीडियो बना सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन आबिद अली जो है उनको कोई फायदा नहीं है, ना उन्होंने इंडस्ट्री लगानी है इंडिया में, ना उन्होंने कोई बिजनेस करना है इंडिया के साथ, उन्हें कोई भी फायदा नहीं है। और एलन सर की एक और बात बताओ, जितनी आपकी मेरी अभी तक बात हुई है ना, इतनी देर में वो इतना पैसा कमा सकते हैं कि जो मैं 10 सालों में भी नहीं कमा सकता हूँ। आबिद अली के अल्फाज थे कि मुझे 10 से 15 वीडियो शायद, एज इट इज मुझे याद नहीं है, 10 से 15 वीडियो के लिए मुझे हायर किया गया है, मैं अब एक चैनल के अलावा किसी चैनल पे इंटरव्यू नहीं दे सकता। भाई अगर तुम्हें हायर किया गया है तो हायर क्या तुम्हें बिना पैसों के करवाया गया है? तुम इतने अच्छे हो कि अपने बीवी बच्चों का पेट पालने की बजाय तुम रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले को व्यूज दे रहे हो? तुम मुझे बताओ, एक नॉर्मल सी तुम दुकान लगाते हो, तुम एक स्टॉल लगाते हो, तुम्हारा अगर घर बार वहां से, जो पाकिस्तान के हालात है, साफ सीधी बात है, अगर तुम्हारा वहां से हालात नहीं पूरे हो रहे, तभी तो तुमने सोचा कि भाई एक अच्छा अमाउंट मेरे हाथ में आ रहा था, मैं दे देता हूँ, इसको क्या चाहिए? साफ चीज नजर आती है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उसको और कोई सोर्स नहीं मिला, उसको लगा कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मुझे आ रहा है कोई 2-3-4 आ रहा है, तो मैं इसको अवेल कर लेता हूँ और मैं इसको ले लेता हूँ, मुझे क्या है, मुझे तो सिर्फ बोलना ही है, और बोलने से तो मैं वैसे फेमस हो चुका हूँ, और मैं क्या बोलना है। अनम की बात से मैं आपको एक बात बताना चाहती, सॉरी मैंने अनम आपको इंटरप्ट किया, मैं उनसे इंटरव्यू लेने गई थी तो उन्होंने बोला मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, मेरा एग्रीमेंट हो चुका है, मैं किसी और को विदाउट परमिशन इंटरव्यू नहीं दे सकता क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में उन्होंने ऑलरेडी पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले ने किया है कि आपने मेरे चैनल पर जो है वो इंटरव्यू देना और है, या और तो किसी को उसने इंटरव्यू दिया ही नहीं, सिर्फ उसी को दिया है, तो किसी और चैनल से। मुझे ये नहीं पता कि इसके पीछे की क्या क्या पूरी क्या प्लानिंग चली भी आ रही है, बट खैर उन्होंने मुझे तो इंटरव्यू नहीं दिया, और जब भी मैं उनसे बोल रही थी कि मैं काफी दूर से आई हूँ, मैं बार बार नहीं आ सकती यहाँ पर, तो आप मुझे इंटरव्यू दे दें, फॉरन कॉल पर जाकर किसी से पूछ रही थी कि क्या मैं इंटरव्यू दे दूं या नहीं दूं, फिर आकर मुझे बता रहे थे कि नहीं भाई वो नहीं मान रहे मेरे, मैं जब तक उनको इंटरव्यू नहीं दे देता तब तक मैं किसी के साथ नहीं वो काम कर सकता, किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे सकता। तो आप खुद क्लियरली सोचें कि जो बंदा ये हरकतें कर रहा है कि मेरे बैंक, खुद बता रहा है मेरे बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर हो गया, अब मैं किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे सकता, वो सुहेब चौधरी को इंटरव्यू क्यों दे रहा है? मेरा मुकाबला नहीं बनता। लेकिन आपने कहा जी मुझे कोई फायदा नहीं है, कहने वाले तो ये कहते हैं आपको भी फायदा है, आप भी व्यूअरशिप और मतलब पैसों के लिए शायद ये चीजें करते हैं। देखिए आपकी कोई डील हुई है, आपकी कोई डील हुई है? मैं आपको ना दो बातें शुएब भाई बताना चाहूंगा। पिछले 10 जिस दिन ये मसला बना था, पहली वीडियो रिलीज हुई, दूसरी वीडियो रिलीज हुई, उसके बाद मुझे गिनती नहीं बता सकता, लेकिन बहुत से फोन आए, ठीक है, पाकिस्तान के यूट्यूबर, मतलब इतने यूट्यूबर के जिनके नाम भी मैंने नहीं सुने हुए थे, अब वो मेरे साथ हमदर्दी कर रहे हैं फोन करके ना, वो हमदर्दी कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन आप लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं कर रही है, अपना ज़हन बना लीजिए।
मसला नहीं है। अब वो मुझे कहते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइंट हो, आबिदरी ने बिकना होता ना तो उन लोगों के साथ मिल जाता, उन लोगों ने मुझे ऑफरें की। अच्छा जी, उन्होंने मुझे पैसों की ऑफरें की। ऑफर की मतलब किस तरह की ऑफर की? आप तो फिर बड़े ब्रांड हो गए। अच्छा, यानी पैसों की मतलब ये है कि अब फिर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकलवाना चाह रहे हैं कि फिर मेरे साथ मसले मसाइल बनने। जो लोग कहते हैं मोदी जी की झूठी तारीफ करता है, मीठी मीठी बातें करता है, पैसे लेके जो है मोदी जी की तारीफ करता है, मैं उन लोगों से ओपन चैलेंज करना चाहूंगा कि आप इमरान खान की या पाकिस्तानी वजीर आजम की इस तरह बाजार में खड़े होकर इंडिया में तारीफ करके दिखाएं, उसकी बात करके दिखाएं मुझे आप। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, पैसे लेके करके दिखा दें, व्यूअरशिप के लिए करके दिखा दें। मैं ओपन चैलेंज करता हूं आप लोगों को इस चीज को लेके कि आप उस वीडियो को बनाइए, वो वीडियो शुएब भाई के चैनल पर सेंड करें और मैं इस चीज का प्रॉमिस करता हूं वो वीडियो मैं चलवाऊंगा। मोदी जी के फैन जो है ना वो आप सबको पता है कि एलन सर अमीर आदमी है, वो बड़े फैन है या ये गरीब आदमी फैन है। और मैं अपनी ऑडियंस को और मोदी जी को, आज ऑडियंस को और मोदी जी दोनों को आई लव यू। कौन सा वो इंसान होगा दुनिया में जो अपने पर गद्दारी के फतवे भी लगवा ले, लोग उसे कहें तो एजेंट है इंडिया का और लोग उसे बातें भी करें, तो उसे क्या जरूरत है ऐसे पंगों में पड़ी थी आपको? मार बार बार वो, मैं हमेशा कहता हूँ हमदर्दी का वोट मुझे नहीं चाहिए। आपका जहन है ना, अगर मैं पाकिस्तान में रहकर मोदी जी को पसंद करता हूँ तो लोगों के लिए गाली है, लोगों के लिए बुरी बात है ये कि ये मोदी की तारीफ करता है, मोदी को पसंद करता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये मोदी जी का भक्त है या झूठा भक्त है, तो उन्हें खुदा का वास्ता, आए ना सड़कों पर ऐसे ऊंचा नाम लेके दिखाए मोदी जी का, तो फिर आपको भी अंदाजा हो कि क्या होता है। और बिजनेसमैन जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, ये जो बातें कर रहे हैं ना, जहाँ पे आप रहते हो, आप उस अपने घर के बाहर खड़े होकर ना मोदी जी की ऐसे तारीफें करो जरा और करके दिखाओ, आपके मल्लेदार जीना नहीं देंगे आपको। तो ये आबिद अली है, क्योंकि इश्क जो है ना, इश्क 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 इंसान को कहां से कहां ले जाता है और ये सच्चा इश्क है, झूठा नहीं। लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद आपने कोई बात नहीं करनी क्या? या मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई देखें इन बातों में, भाई साहब मैं बात काटता हूं आपकी, मैं आपकी बात काटता हूं। चाहती है कि आपको सुने, एक बार मैंने आपकी नहीं मानी, ठीक है, इस बार भी मैं आपकी जो है ना मान लूंगा बात, ठीक है, क्यों मानूंगा ये भी बताता हूँ। ऑडियंस मुझसे सुनना चाहती है, ऑडियंस प्यार करती है, मैंने हर बात क्लियर कर दी है। नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो उसे ये नहीं है कि आप दिल हार जाएं और कहें कि मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूँ कि उन लोगों के कमेंट जो है ना, उन्होंने मुझे ऐसे दोबारा खड़ा किया, ठीक है, और उनकी वजह से मैं, बाय गॉड, देखें जब बंदे का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई पैसा ही नहीं कमाना, कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन मैं उस बात पर फिर दोबारा आना चाहता हूँ, जो आप दो बार मैंने करने की कोशिश की आपने फिर मुझे काट दिया, कि वो लोग जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, अब वो यूट्यूबरों का आपके साथ क्या है, क्या आपने ऐसा कर दिया उनके साथ, क्या उनकी पूछल पे पांव रखा हुआ है आपने, ठीक है, जो मुझे फोन करके कह रहे हैं कि हम आपको पैसे देंगे, शुएब कहेंगे इससे हमारे साथ प्रोग्राम करें और जितने आप पैसे कहेंगे हम उतने पैसे, यार मुझे तो स्टार बना दिया आपने, स्टार बना दिया। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा आप उधर बात करते, देखने वाले समझदार हैं आप, लेट अच्छा। आप पैसे भी ले लेते, बात भी करते जैसी वो चाहते हैं। भाई आबिद भाई से क्या उम्मीद रखते हो? आबिद भाई पीस पे चलने वाला इंसान है, आबिद भाई वो इंसान नहीं है। तो भाई वीडियो यहीं तक थी। तो भाई शुएब भाई ने अब एक बात बड़ी जबरदस्त बोली है कि भाई देखने वाले समझते हैं। तो भाई देखिए, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं उनको किसी के बारे में अच्छा और बुरा कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो जज है वो है ऑडियंस, वो है जनता, जो आप लोग देख रहे हैं। भाई जिसकी अच्छी वीडियो लगेगी, हर ऑप्शन है, लाइक का, डिसलाइक का, कमेंट्स का। देखिए जो भी बात होती है, जो इनके अगेंस्ट वीडियो बनाई गई थी आबिद अली भाई साहब के अगेंस्ट, तो जो जनता थी भाई, पाकिस्तान की आवाम थी, भारत की आवाम थी, सबने कमेंट्स कर दिए थे इनके बारे में। भाई जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको देखेगा। तो मेरे ख्याल में जो आबिद अली कर रहा है उसका जनता देखेगी, और जो पाकिस्तान के अदर यूट्यूबर कर रहे हैं उनको भी जनता देखेगी। तो एक दूसरे के बारे में ना कहकर दोनों अपने अपने फील्ड में अच्छा काम करें, तो यही आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सभी के लिए बेहतर होगा। आप लोग क्या रहे, कमेंट सेक्शन में रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।